नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल एडू इन्फो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 25 तारीख को आपका एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चे दोस्तों इस बार आपकी जैसे हैं जिनकी यहाँ पे सप्लीमेंट्री आई है या फिर आपके यहाँ पे फेल हो गए, क्योंकि दोस्तों 12th क्लास में लगभग आपका 50% इस साल आपका रिजल्ट रहा है, वहीं 10th क्लास में 60% आपका इस साल रिजल्ट रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे जिनकी सप्लीमेंट्री आई है, साथ में जो बच्चे इस बार फेल हो गए उनको डाउट आ रहा है कि उनको आगे क्या करना है, सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना है या फिर दोस्तों जो आपका रोजाना नियोजन है इसका आवेदन करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना, बिल्कुल भी आप स्किप मत करना, छोटी सी वीडियो रहेगी। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जो कि 10th क्लास में थे या फिर 12th क्लास में थे जिनकी यहाँ पे सप्लीमेंट्री आई है। दोस्तों अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई तो आपको सिंपली सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपकी सप्लीमेंट्री तो आपका सप्लीमेंट्री का ही फॉर्म भराएगा। अगर आप सोचे कि मैं आपको रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भर दूँ तो आप नहीं भर पाएंगे, आपको ऑप्शन ही वहाँ पर नहीं खुलेगा। वहीं दोस्तों जो बच्चे फेल हुए हैं 10वीं और 12वीं में, उनको यहाँ पे आपका रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भरना है, क्योंकि दोस्तों जो आपकी रुक जाना नहीं योजना होती है ये सिर्फ ऐसे विद्यार्थियों के लिए होती है जो कि यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सप्लीमेंट्री का फॉर्म किस किस को भरना है। तो दोस्तों 10th क्लास में अगर आप एक विषय में फेल हैं तो आपको कोई सा भी फॉर्म नहीं भरना, आप पास हैं यहाँ पे। अगर आप एक विषय में फेल हैं उसके आगे दोस्तों हैश लिखा होगा, आपको कोई फॉर्म यहाँ पे नहीं भरना। आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पे रीचेकिंग रीटोटल का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पास हो सकते थे तो आप उसका फॉर्म भर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप दो विषय में फेल हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना पड़ेगा। 10th क्लास में आपको दोनों विषय का दोस्तों आपको फॉर्म भराएगा, लेकिन अगर आप एक विषय में पास हो जाएंगे ना तो भी दोस्तों यहाँ पे आप पास माने जाओगे 10th क्लास में, क्योंकि 10th क्लास में आपको कुल मिला के 5 विषय में आपको पास होना है। तो ये हो गई दोस्तों 10th क्लास की बात। अगर आप 2 से ज़्यादा विषय में फेल होंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भरना पड़ेगा। रुक जाना नहीं योजना की दोस्तों मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बना दी है, उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं 12वीं क्लास की। 12वीं क्लास में दोस्तों अगर आप एक विषय में फेल हैं यानी कि आपकी सप्लीमेंट्री आई, आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना है। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो रीचेकिंग और रीटोटल का भी फॉर्म भर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे पास हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप एक से ज़्यादा विषय में फेल हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके दोस्तों जो आपके पेपर है जून के एंड में या फिर जुलाई के पहले वीक में आपके हो जाएंगे, और जितने विषय में दोस्तों आप फेल हैं सिर्फ उतने ही विषय का दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और उसमें दोस्तों अगर आप पास हो जाते तो आपको इस साल दोस्तों कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पढ़ाई पर फोकस करिएगा। जितने विषय में दोस्तों आप फेल हुए हैं उनकी अच्छे से तैयारी करिए 10th और 12th क्लास के। आपके दोस्तों जो पेपर है जून के एंड में और जुलाई के फर्स्ट वीक हो जाएंगे, आपका रिजल्ट भी दोस्तों आपका टाइम पे आ जाएगा। और अगर आप 10th क्लास में फेल है तो आपको 11th में एडमिशन मिल जाएगा इसी साल, और 12th में फेल है तो दोस्तों कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना है तो दोस्तों आपको MPBSC MPOline की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको भरना पड़ेगा। आपके नज़दीक में जो भी MPOline होगा वहाँ से जाके आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भरना है तो ये भी दोस्तों आपको MPOline के माध्यम से भरना पड़ेगा। आपके नज़दीक में जो भी MPOline होगा वहाँ से जाके आप जितने विषय में फेल हैं उतने विषय का यहाँ पर आप फॉर्म भरेगा, उतने ही विषय का आपको यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी और उतने ही विषय का दोस्तों यहाँ पर आपका पेपर होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप सप्लीमेंट्री का पेपर देंगे तो यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट है आपको सप्लीमेंट्री वाली मिल जाएगी, यानी कि MP बोर्ड की आपको मिलेगी, उसमें आपका सप्लीमेंट्री मेंशन रहता है। वहीं दोस्तों अगर आप रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भरते हैं तो जो आपकी मार्कशीट मिलेगी वो आपको MP बोर्ड की नहीं मिलेगी, वो आपको MP ओपन बोर्ड की मिलती है। क्योंकि दोस्तों आपकी जो रुक जाना नहीं योजना है MPSOS के द्वारा आपकी चलाई जाती है, यानी कि मध्य प्रदेश ओपन स्कूल के द्वारा आपकी चलाई जाती है। और इस मार्कशीट की दोस्तों जो वैधता होती है सब जगह होती है, यानी कि आपकी दोस्तों हर जगह वैलिड होती है। इसको लेकर आपको बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको दोस्तों मार्कशीट के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी डाउट है तो जो आपकी रुक जाना नहीं योजना होती है इसकी मार्कशीट की अलग से एक वीडियो हमारे चैनल पर यहाँ पे अपलोड है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो गए होंगे। सभी प्रकार की अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि दोस्तों आपको दोनों एग्जाम की सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पर्सनली मुझसे कोई डाउट पूछना है तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।